ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से है, जहां बता रहे कि रीवा में अपराधी प्रवृत्ति के लोगन के हौसला ऐसे समय बुलंद था। आए दिन लोगन के द्वारा कानून का अपने हाथ मलिन जाला है, जहां एक लड़की पुन के बता दी कि पुलिसिया कार्रवाई से बेखौफ युवक के द्वारा अपने पिता के साथ होए वाली मारपीट के बदला ले खातिर दूसरे युवक के पेट पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर दी के। घटना के बाद युवक की हालत गंभीर बताई जाती है। गंभीर हालत में युवक का संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवावा गया है। तुम्हें क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सब जरिन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि सिटी कोतवाली के अंतर्गत धोबिया टंकी के लगे बीती रात पिता के पिटाई के बदला ले खातिर एक आरोपी युवक के द्वारा पेट में चाकू घुसेड़ दिन का। घायल युवक राहुल साकेत निवासी नगरिया मोहल्ला का उपचार खातिर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवावा गया है। सर्जरी आईसीयू वार्ड में भर्ती युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस के द्वारा ये मामले में अब आरोपी के पतासाजी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक राहुल साकेत बीती रात धोबिया टंकी के पास खड़ा रहा और यही दौरान पहुंचे आरोपी के द्वारा पुरान रंजिश के कारण युवक के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोग का देख के आरोपी वारदात का अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जाता है कि बीती रात चाकूबाजी के एक दूसर घटना में युवक योगेश सिंह निवासी सिमरिया घायल हो गए हैं और घायल युवक का उपचार खातिर संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी वार्ड में भर्ती करवावा गया है। युवक की हालत गंभीर बनी है। मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की गई है। तो बता दें कि रीवा में जहाँ डीआईजी नवनीत भसीन के द्वारा कानून व्यवस्था क्या बेहतर बनावे खातिर हर संभव कोशिश की जाला ही, तो दूसर कई बता दें कि आपराधिक किस्म के लोग जो हाँ आए दिन कानून का अपने हाथ मले रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि लोगन का पुलिसिया कार्रवाई के को खौफ नहीं आए। जहां खुलेआम बता दें कि अमेर की घटना चाकूबाजी की घटना होती लाहाम देखे वाली बात यह हुई कि मामला में आरोपी इनके गिरफ्तारी कब तक होती है। तो दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। तो और आ गए चलते यार, वैसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कांग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।